हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपका मोबाइल भी कॉल आते ही अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है, अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, इसके रीजन तो काफी सारे हो सकते हैं, मेन आपको मैं दो तीन रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बिना देर के दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की, वो है दोस्तों मोबाइल की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो चुकी है, या फिर आपका मोबाइल जो है वो फुल्ली चार्ज नहीं होता, या फिर दोस्तों आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बैकअप बिल्कुल भी नहीं देती, यही सबसे बड़ा रीजन है कि मोबाइल कॉल आते ही अपने आप बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरा जो दोस्तों कारण है वो ये है, अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, शेड्यूल ऑन ऑफ की जो सेटिंग होती है, अगर आपके मोबाइल में ये ऑन है तो आप इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि कहीं आपके मोबाइल में अपडेट वर्जन तो नहीं आया हुआ, मोबाइल का अपडेट तो नहीं आया हुआ, क्योंकि मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। आप ये जरूर चेक करें अपने मोबाइल में, ठीक है, अगर अपडेट आया हुआ है जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जे पुराने मॉडल के जो फ़ोन है, पुराने फ़ोन हैं उनमें जे देखने को मिलती है स्विच ऑफ होने की प्रॉब्लम। दोस्तों, मोबाइल स्विच ऑफ बैटरी की वजह से ही होता है, सबसे बड़ा कारण बैटरी का ही होता है। आप अपने मोबाइल की बैटरी में चल के चेक करें, सेटिंग में जाके चेक करें कि आपके मोबाइल की बैटरी कहाँ कितनी परसेंट यूज हो रही है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है, तो आप ये दो सेटिंग को जरूर करें। आप अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे बिल्कुल भी ना रखें। और दूसरी जो सेटिंग है, मोबाइल में हमें एक पावर सेविंग मोड का ऑप्शन दिया जाता है, आप इस ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जी इन सेटिंग को करने के बाद भी सॉल्व नहीं होती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक भी दिया गया है। थैंक यू।